हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय जी ब्लॉग। तो आज है मदर्स डे और मदर्स डे ब्लॉग स्पेशल होगा ये। और यहाँ की टू देखिए मस्ती करती रहती है इस पापा के साथ। हम सभी इतना कुछ भी करें पर हमारा वेलकम बैक टू माय चैनल अजंजलि ब्लॉग। तो आज है मदर्स डे, तो किट्टू मेरे लिए बनाई है मदर्स डे का कुछ स्पेशल, आपको दिखाऊंगी अभी। और बच्चा है, बच्चे के हिसाब से बहुत अच्छा बनाया, इसके स्कूल में बनवाया गया था कल और आज मदर्स डे है। आप लोग को बस यही कहूंगी कि मदर्स डे का कोई एक दिन नहीं होता, हर दिन माँ का होता है, क्योंकि माँ इतना करती है कि उतना हमें लग नहीं रहा कि धरती पर कोई किसी के लिए करता होगा अपने बच्चे के लिए। माँ मतलब भगवान ही है एक तरह से देखा जाए तो। मतलब कहावत है ना एक, कि हर घर में भगवान नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने हर घर में एक माँ दे दिया है, तो उनको भगवान का दर्जा ही देना चाहिए। उनके लिए कोई स्पेशल एक दिन नहीं, हर दिन होना चाहिए। बट हाँ, स्पेशल एक दिन इसलिए मतलब बना दिया गया है कि एक दिन कम से कम साल भर में उनको स्पेशल फील कराया जाए। स्पेशल फील तो हमेशा कराना चाहिए अपने माओं को, और उनको टाइम भी देना चाहिए, उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें भी करनी चाहिए, है ना बाबू। और आज के दिन मम्मा को परेशान नहीं करना चाहिए। लव यू बच्चों। तो बस सब लोग अपने अपने माओं का ख्याल रखिए, स्पेशल फील कराइए और बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए उनको। तो बस यही कहूँगी और ये ब्लॉग स्टार्ट मैं कर रही हूँ आज के दिन। अरे कुछ ज़्यादा नहीं प्यार दिखा रही हो ब्लॉग में। तो बस अभी मैं मिलती हूँ, हम लोग बस सुबह हो चुकी है, नाश्ता वास्ता कर लिया हम लोगों ने, अब बनाऊंगी लंच और उसके बाद हम लोग आज क्या करेंगे पूरे दिन में सब बताएंगे। किट्टू आज मेरे लिए कुछ करेगी स्पेशल, है ना। क्या करोगी? कुछ भी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, हम लोग देखते हैं आज क्या करते हैं। और मम्मी को लेटा दिया था तो किट्टू कह रही मम्मी आपके लिए स्पेशल कुछ करना है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, तो मेरी बात मानती रहो, अच्छे से पढ़ो लिखो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, यही माँ के लिए बहुत है, ठीक है। मैं माता रानी आपको स्वस्थ करेगी। कौन है? और ये सब जो आप देख रहे हैं, मैं मम्मी नहीं लाई, ये मैं लाई। हाँ किट्टू लाई है सब। और तीन लड्डू नहीं देना चाहिए किट्टू। हाँ लो, तुम पानी लाए, तुम्हें पी ली। ये क्या तरीका है, एक गिलास और लेते आना, ठीक है। हाँ तो ये सब हमारी किट्टू की फ्रेंड है, बड़ी बड़ी हैं लेकिन फ्रेंड ही हैं सब। तो आई है किट्टू से मिलने आज, है ना, मस्ती कर रही, खुश हो जाती किट्टू कोई आता है घर पे तो, है ना। हाँ क्या दिखा रही हो? अच्छा ये हाँ, तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, हम लोग बाहर जा रहे हैं आज, और छुट्टी के दिन हम लोग बाहर जाते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं, और कुछ काम भी हम लोग को वो भी करना है। और बस इस तरीके का मैंने सूट डाल लिया हुआ है, कैसा लग रहा है बताइएगा आप कमेंट करके। एकदम प्योर कॉटन है ये, तो बहुत आराम मिल रहा है इसमें पहनने पे, चुभ नहीं रहा बिल्कुल भी। और हम लोग बाहर जा रहे हैं और आज मदर्स डे भी है, तो किट्टू देखते हैं क्या करती है। किट्टू बोली कि मम्मा आपके लिए कुछ करेंगे, उसका बहुत शौक है, तो हम लोग ही कर देते हैं। बच्चा है तो करेगी नहीं, लेकिन उसको शौक है कि हाँ मम्मा के लिए सब करेंगे। तो बस देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। ब्लॉग अच्छा जाने वाला है, ब्लॉग बने रहिएगा। अभी हम लोग चल रहे हैं बाहर, वो काम कर लेते हैं जो काम करना है, और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं मार्केट में। हाय दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने, बताते हैं। तो किट्टू के पापा को लेना था लंच बॉक्स अपने ऑफिस के लिए, क्योंकि इनका जो लंच बॉक्स है वो छोटा है, तो खाना अच्छे से उसमें हो नहीं पाता, तो ये थोड़ा बड़ा लंच बॉक्स लेने आए थे, बट इनको जमा नहीं, तो ये बोले छोड़ो ऑनलाइन ले लूँगा। और उसके बाद हम लोग वी मार्ट में आते हैं, यहाँ से कुछ घर के सामान लेने थे हम लोग को, तो यहाँ आते हैं। और यहाँ पर आज ज़्यादा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं क्या बताऊँ, आज संडे का दिन था और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, आप लोग भी देख सकते हैं गाइस। अभी बिलिंग कराने लगूँगी तो आप देखिएगा, बहुत भयंकर भीड़ है वहाँ पर। और यहाँ किट्टू अपने सामान में लगी हुई हैं, ये यहाँ आती हैं तो अपने जो है कि काम की चीज़ें देखने लगती हैं। और उसके बाद मैं ऊपर आ गई हूँ, ऊपर अपने वाले पोर्शन में मैं आ जाती हूँ, कि भाई यहाँ पे कुर्तियाँ वगैरह बहुत ही अच्छे रिजनेबल प्राइस मिल जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कलेक्शन बहुत अच्छे अच्छे आए थे, और हर पे 50% ऑफ था, और कपड़ों की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि मैं क्या बताऊँ। बट इसके पहले मैं ऑनलाइन कुछ कुर्तियाँ मंगा ली थी, इसलिए मैं यहाँ से नहीं ली हूँ, क्योंकि जो मैंने कुर्तियाँ मंगाई हैं वो भी अच्छी हैं, और बाद में मैं देखी तो एक दो ले लेती, लेकिन काफ़ी हो चुकी है मेरे पास तो मैं नहीं ली। हाँ गाइस, तो हम लोग यहाँ से कुछ शॉपिंग कर लिए, छोटा मोटा सा ही सामान लेना था, और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन ही हम लोग फ्री रहते हैं। बस हो गई है, सामान बिलिंग करवा रहे हैं, ये बिलिंग करा के चलते, बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। अब ये आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा भीड़ है कि मैं क्या बताऊँ। और वहाँ पे देखिए, वहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं ये बिलिंग कराने, जितना सामान लेने में टाइम नहीं लगता उतना बिलिंग कराने में टाइम लग जाता है। आज यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है गाइस कि हम लोग बिलिंग नहीं करा पाए, लास्ट में हम लोग को वहाँ से आना पड़ा सामान रख के, और कल ये आएँगे तो ले जाएँगे सामान, बहुत ज़्यादा भीड़ है।
रहे हैं। संडे के दिन हम लोग आते हैं, संडे के दिन काफ़ी, और वहाँ से निकलते निकलते हमको 8 बज गया था, तो ये बोले कि हांडी चिकन ले लेते हैं। हांडी चिकन बहुत दिन से इनका खाने का मन था, तो बस यहाँ से हम लोग पैक करवाते हैं चिकन, और उसके बाद चावल और रोटी भी बनाए। आ गए हैं अपने घर के पास और ये ले रहे हैं फ्रूट अभी किट्टू के लिए, क्योंकि इसके फ्रूट खत्म हो गए थे। और उसके बाद हम लोग घर चलते हैं, फिर आप लोग। ये देखिए, मैं ये सब मम्मी के लिए कर रही हूँ, और मैं ये बहुत अच्छे से सजाऊंगी, आप देखते रहिएगा। यही नहीं, वाह किट्टू बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ मैं यहाँ पे लगा दूँ। लगा दो छोटा के छोटा पे। हम लोग आ गए हैं मार्केट से, और किट्टू का बहुत मन था केक कटिंग करने का, तो मैं ये कही कि बेटा केक मत लो, क्योंकि केक बड़ा हो जाता है, कितना भी आप छोटा केक लीजिए लेकिन हम लोग खा नहीं पाते, रह जाता है। तो मैंने कहा पेस्ट्री छोटा छोटा ले लो, हम लोग 3 लोग हैं खा लेंगे। तो इसका मन था बहुत सेलिब्रेट करने का, मैंने कहा नहीं बाबू थोड़ा बहुत ऐसे ही कर लो, तुम्हारा मन है, बस ऐसे मैंने पेस्ट्री ले लिया है। मैंने प्यारा सा पर्पल कलर का स्टूल लाया है, इस पे ना मरमेड बनी है। हाँ, किसके लिए लाई, मेरे लिए गिफ्ट क्या? नहीं मैं तो जूठा कर लूँ, मेरा है। कोई बात नहीं, चलो तो पापा को बुलाओ जल्दी जल्दी कट करें, आप गाइस लोग को भी खिला। जितनी भी माए हैं सब आ जाए जल्दी जल्दी, गाइस को लाइक जाओ मत, आप भी खा लीजिए ऐसे। बस हमारी केक कटिंग हो गई है कि माँ के लिए अपने कुछ करें, और ये बहुत छोटी तो अच्छे से अपने करनी पड़ती है, हम लोग को ही करके देना पड़ता है। बस हम लोग अब केक कटिंग हो गई है, चल रहे हैं डिनर की तैयारी करेंगे, फिर आपसे मिलते। तो हम लोग का पेस्ट्री कटिंग हो चुका है, जी हाँ केक नहीं था पेस्ट्री था। उसके बाद हम लोग जो चिकन लाए थे हांडी वाला, तो वो रोटियाँ और चावल बना के घर पे वो हम लोगों ने फिनिश किया। तो बस ये है अगली मॉर्निंग, कल हम लोग खा पी के सो गए थे, और मैं ये भी मास्क लगाई हूँ तो आप लोग डरिएगा मत, बहुत तंग रहा है। तो ये मेरा ब्लॉग था कल का, तो कैसा लगा मदर्स डे ब्लॉग? अगर थोड़ा सा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ से अधिक लाइक करिएगा, और अब मैं मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक अंजलि सिंह को दीजिए विदा, बाय बाय, टेक केयर।